हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ यहां पर आ चुका है। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कम्प्लीट प्रोसीजर बताऊँगी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। टेलीग्राम दीक्षा फोगाट के नाम से है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं सभी पीडीएफ। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं काउंसलिंग से जुड़ी बात है। तो काउंसलिंग आज से आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 से लेकर 7 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आप लोग फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 1 सितंबर को ही लिंक अवेलेबल हो जाएगा, तो आज जो है लिंक अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ आज से जो है आप लोग 7 तारीख तक चॉइस फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को अगर यहाँ पर एडमिशन दिया जाए तो आप लोग पहले किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकंड आप लोग किसको प्रायोरिटी में रख रहे हैं, थर्ड आप लोग किसको प्रायोरिटी में रख रहे हैं। तो ऐसे आपको प्रायोरिटी फिल करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। जो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस फिल नहीं करेगा, चॉइस फिलिंग नहीं करेगा, उसका एडमिशन नहीं होगा। जो यहाँ पर फिल करने वाला है सिर्फ उन्हीं को जान लिया कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। एक पर्टिकुलर मार्क्स से अबव वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक बीएससी नर्सिंग के से रिगार्डिंग, या फिर मैं बोलूँ कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास हो पंजाब से, जिनके पास पंजाब डोमिसाइल हो, उसके साथ साथ जिनके 50% मार्क्स हो स्टूडेंट्स, एंड या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स हो। किस में होने चाहिए इतने मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। एंड अबो मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट सेल एक्सरसाइज देयर चॉइसेस प्रेफरेंस, ठीक है। फर्स्ट राउंड के लिए जिसके 50% मार्क्स हैं, मतलब जिसका अपना 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, तो जिस भी कैंडिडेट के 50 मार्क्स आए थे या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। वही आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, सभी नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान रख लेना है। एंड यहाँ पर सभी जो कैंडिडेट, या फिर मैं बोलूँ कि इससे कम मार्क्स जिसके हैं, वो यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर अपनी जो डेट रहने वाली है दैट इज 1 से लेकर 7 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएनएम से रिगार्डिंग कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जीएनएम के लिए आप लोगों के पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए दैट इज़ 35%, जो कि एंट्रेंस में अपने आने चाहिए। अगर आप लोगों का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें आपके 35% मार्क्स हैं, एंड इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तभी आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिए एंड तभी आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कीजिए। एंड अदर स्टेट कैंडिडेट सेल एक्सरसाइज देयर चॉइस प्रेफरेंस ड्यूरिंग द सिक्वेंस राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर बात किया कि पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो भी अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी अपने राउंड हो उनमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपना नोटिस था काउंसलिंग के लिए, जो कि हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। तो चलो अभी बात कर ले अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जितने परसेंटेज तक मैंने बताया उतने परसेंटेज तक वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी कैंडिडेट जो कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, सिर्फ 50% और उससे ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। पोस्ट बेसिक के लिए 35% से ऊपर वाले कैंडिडेट अप्लाई करें। एंड SC/BC से जो बिलोंग करते हैं दैट इज़ फॉर पोस्ट बेसिक, वो 30% से ऊपर वाले अप्लाई करें। तो ये है अपना अप्लाई करने का कम्प्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई करना क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ bfuhs.ac.in। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। एक तो अलॉटमेंट लेटर का अपना लिंक है, देन यहाँ पर लिंक है, क्लिक हियर टू फिल द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट PPMET 2021 बीएससी नर्सिंग। इस पर क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स। हो सकता है आपका वन टाइम में ना ओपन हो, बिकॉज यहाँ पर सर्वर डाउन चल रहा है, बिकॉज एक ही साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफिशियल्स को खोल रहे हैं एंड एक ही साथ काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से मे बी दिस हैपन्स कि आप लोगों को ज़्यादा समय लगे इसको लोड होने में, एंड ये भी हो सकता है कि आपको कुछ टाइम आउट वगैरह से रिलेटेड भी देखने के लिए मिल जाए एंड लिंक ओपन ना हो। आपको करना क्या है, आपको फिर से वेबसाइट को खोलना है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि सर्वर एरर चल रहा है, ठीक।
ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से ओपन करें स्टूडेंट्स, आप लोगों से सेकेंड टाइम में 101% जो है ओपन हो स्टूडेंट्स। हो सकता है आप लोगों से एक बार में ना ओपन हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। तो यहाँ पर देन आप लोगों से ओपन हो जाएगा, ये एक बार दो बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी ना हो तो थोड़ा सा टाइम लेके ट्राई कीजिएगा, लाइक 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो आप लोगों से हो जाएगा ओपन, जैसे कि देख रहे हैं ओपन हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने को जो नोटिफिकेशन जो दिख रहा है, दैट इज रनिंग नोटिफिकेशन, वो PPMET 2021 से जुड़ा है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था PPMET का, इंजन के मार्क्स आए हैं मोर और इक्वल देन 50 आर एलिजिबल, ठीक है। जिसके 50 नंबर आए हैं, 50 से ज्यादा आए हैं, वो यहां पर एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे यहां पर शेयर करने वाली, बिकॉज वो जो नोटिफिकेशन है पंजाब लैंग्वेज में कंप्लीटली लिखा गया है, तो आप लोग उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एज कंपेरिजन टू मी। तो वो मैं कंप्लीट टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप लोग कंप्लीट इंस्ट्रक्शन वहां से रीड कर सकते हैं। टोटली पंजाब में लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे पहले करना होगा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल कर देना होगा, देन आप लोग हो जाएंगे लॉगिन। एंड लॉगिन होने के बाद ही आपको अलग से जो है प्रेफरेंस फिल कर देना होगा। लॉगिन होने के बाद बिल्कुल क्लियरली आपको जो है चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आप लोग आराम से अप्लाई कर पाएंगे। बस चीज़ का आपको एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की, आपको जिस कॉलेज में पहले एडमिशन लेना हो, आपको उस स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है एवरी पॉइंट को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 7 दिन का टाइम है, 7 दिन का समय है। तो अगर आप लोग आज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी रीज़न की वजह से साइट आपसे ओपन नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास और भी समय अवेलेबल है, और भी टाइम बचा है। तो आप लोग आराम से फिल कर लीजिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है आज ही अप्लाई करें। आप लोग तभी अप्लाई कीजिए जब आपका पता हो कि किस पर्टिकुलर कॉलेज को हमें प्रेफरेंस में रखना चाहिए, सबसे अच्छा कॉलेज क्या कौन सा है, एंड कितने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एंड सबसे अच्छा प्राइवेट कॉलेज क्या है। तो इसकी जो कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ कि किस कॉलेज को हमें प्रेफरेंस रखना चाहिए, इतने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसमें इतनी सीट्स हैं, वो आज ही वीडियो तनु फोगाट वाले चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें हर किसी कॉलेज के बारे में, जितने गवर्नमेंट हैं जितने प्राइवेट हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, एंड कंप्लीट यहाँ पर किसको प्रेफरेंस में रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एंड एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, जब आप लोग BFEHS के ऑफिशियल्स ओपन करें, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, एंड आप लोगों से ये लिंक ओपन हो जाए एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप लोग इसे क्रोम में ओपन कर लीजिएगा, बिकॉज क्रोम में क्या रहेगा, सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप लोग गूगल से ओपन करेंगे, तो देन यहाँ पर एक बार अगर ये लाइक अगर गलती से आपसे आप लोगों ने एक बार नोटिफिकेशन दे के इसे लाइक कट कर दिया, ठीक है, रिसेंट में से, तो आप लोगों से दोबारा ओपन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है, तो काफ़ी बच्चे एक ही साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो ओपन नहीं होगा बार बार। तो ये सजेशन है आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।